ऐसे धारणाओं को ना मजबूत नहीं बनाना। अगर अच्छी धारणाएं हैं तो उसको मजबूत बनाओ। मैं आलसी हूं, ये धारणा को कभी मजबूत नहीं बनाना। मैं नालायक हूं, ये धारणा को कभी मजबूत नहीं बनाना। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, ये धारणा को कभी मजबूत नहीं बनाना। बिकॉज दैट इज नॉट ट्रूथ, ये सच्चाई नहीं है। अब समझ रहे बात को? अब बोल बोल के फिर वो मतलब उसको जो झूठे को भी बोल दिया ना, कोई झूठ चीज अगर 10 बार भी बोल दो तो वो सच लगने लगती है, वैसा होगा फिर। इसलिए नेगेटिव धारणा को मजबूत बनाना ही नहीं अपने भीतर। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, है ना। जैसे अगर आप किसी को बोलते हो या खुद के बारे में बोलते हो कि मैं इसका नेचर ही गुस्से वाला है, बोलते हैं ना हमेशा, सुना है आपने, राइट? तो नेचर गुस्से वाला मतलब क्या? पानी का नेचर बहना है, अग्नि का नेचर ऊपर जाना है, तो वो 24 घंटा वैसे रहता है ना। कभी पानी को ऊपर जाते देखा है, अग्नि को नीचे जाते देखा है? नहीं ना। तो गुस्से वाला नेचर मतलब क्या? वो व्यक्ति 24 घंटे गुस्से में रहना चाहिए। Am I right or wrong? तभी बोल सकते हैं ना कि उसका नेचर है गुस्से वाला। भाई 12 घंटे में कभी 2 बार 4 बार 10 बार गुस्सा आ गया, उसके बाद तो शांत रहते हो कि नहीं? तो शांत रहने का पीरियड ज्यादा है या गुस्सा होने का पीरियड ज्यादा है? इसका मतलब है हमारा नेचर क्या है, वही तो सिखाया इसमें। यू आर लव, यू आर पीस, यू आर जॉय। और सिखाया नहीं, ये अनुभूति कराया हमको सुदर्शन क्रिया करा के। अरे मैं खुद ही शांति हूं, लगा कि नहीं सबको? तो ये नेगेटिव लेबल लगाने से पहले 10 बार सोचना, और झूठे झूठे पॉजिटिव लेबल भी लगा दो तो कोई प्रॉब्लम।